नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नीट यूजी के कथित पेपर लीक मामले में सॉल्वर गैंग के संपर्क में रहे अभ्यर्थियों से मंगलवार से पूछताछ होगी। लगातार दो दिनों तक चलने वाली पूछताछ के लिए 9 अभ्यर्थियों को ईओयू कार्यालय बुलाया गया है। पुलिस को सॉल्वर गिरोह के पास से 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे, जिनमें 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शेष 9 परीक्षार्थियों की जानकारी बुधवार की रात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भेजी थी, जिसके बाद सभी को नोटिस जारी कर अभिभावकों के साथ बुलाया गया है। वह आर्थिक अपराध इकाई की एक टीम दिल्ली भी रवाना होने वाली है। एनटीए कार्यालय जाकर प्रश्न पत्र की मूल कॉपी की मांग ईओयू के अधिकारी कर सकते हैं। पुलिस जांच के अनुसार पटना के खेमनीचक के लर्न ब्लॉज हॉस्टल एवं लर्न प्ले स्कूल में करीब 25 से 30 परीक्षार्थियों को परीक्षा से पहले 4 और 5 मई की रात इकट्ठा कर प्रश्न पत्र के उत्तर रटवाने गए थे। अभी तक जांच टीम को इनमें से 13 की जानकारी मिली है। शेष 1 से 1.5 दर्जन परीक्षार्थियों की तलाश जारी है। इसके लिए स्कूल और आसपास के वीडियो फुटेज भी निकाले जा रहे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस को अलग अलग जगहों पर छापेमारी में जले हुए प्रश्न पत्र और अन्य दस्तावेज भी मिले थे, जिसे FSL जांच के लिए भेजा गया है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी नीतीश कुमार, अमित आनंद और जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु से भी रिमांड कर लेकर पूछताछ की गई है। उनसे मिली जानकारी के आधार पर शेष परीक्षार्थियों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा NTA से भी जानकारी मांगी गई है। सूत्र बताते हैं कि सॉल्वर गिरोह से जुड़े 3 आरोपियों ने पूछताछ में नीट परीक्षा पास कराने के लिए क्या सौदा तय किया था, इसकी भी बात पुलिस के समक्ष कबूली गई है। ईओयू सॉल्वर गिरोह से उनके जुड़ाव के बारे में सवाल करेगी। इसका पता भी लगाया जाएगा कि उत्तर रटवाने वाली टोली में ये 9 परीक्षार्थी भी शामिल थे या नहीं। नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।